हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं जीरा राइस। तो चलिए शुरू करते हैं हम बनाना। इसके लिए एक कढ़ाई में मैं 2 कटोरी पानी लूँगी। मैंने 1 कटोरी चावल लिया है तो उसका डबल मैं पानी यूज़ करूँगी। इसमें पानी को बॉयल ला लेंगे हम। अब इसमें जो चावल हमने भिगो के रखे थे वो डाल दूँगी। मैंने 1 कटोरी चावल 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रखे थे और चावल को अच्छे से धो लिए हैं मैंने। अब हम इसको बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद 1 चम्मच घी डालेंगे इसमें। नमक स्वाद अनुसार लेंगे हम और 1/2 नींबू यूज़ करेंगे। नींबू यूज़ करने से ये होगा कि चावल बहुत ही खिले खिले बनेंगे, चिपके चिपके नहीं बनेंगे। तो अच्छे से मिक्स करके हम इसको पकाएंगे थोड़ी देर फुल फ्लेम पे और थोड़ी देर लो फ्लेम पे करके। जब तक पानी पूरा ऑब्जर्व हो जाएगा तब तक पकाएंगे। हाथ से आप चेक कर लीजिए चावल पके या नहीं। मेरे चावल पक चुके हैं तो अब मैं इसको गैस बंद करके ठंडा करूँगी। चावल ठंडे हो चुके हैं हमारे। ठंडा होने के बाद अब हम इन्हें छौंक लेंगे। आप देख सकते हैं कितने खिले खिले चावल बने हैं हमारे। तो चलिए अब हम इन्हें छौंक लेते हैं। छौंकने के लिए मैंने एक कढ़ाई में घी ले लिया है। हम घी से ही छौंकेंगे क्योंकि घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसमें जीरा डाल दूंगी मैं 1 चम्मच। जीरा ब्राउन होगा तब तक हम जीरे को इसमें फ्राई करेंगे। जीरा ब्राउन हो चुका है तो हम इसमें अपने चावल ऐड कर लेंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। आप देख सकते हैं कि हमारे चावल कितने खिले खिले बने हैं। अब हम गैस बंद कर लेंगे। तो तैयार है हमारे जीरा राइस। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको कम लगे तो ही कीजिएगा, अगर आप कम खाते हैं तो रहने दीजिए। तो तैयार है हमारे जीरा राइस। खाइए, बनाइए। अब मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।